पाटलिपुत्र में तुम्हें बहुत सुना सुना लगता हो, अपने देश के लोगों की याद तो बहुत आती हो, क्योंकि यहाँ इतनी दूर तुमसे किसी से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता। ये तो बहुत ही स्वाभाविक है, किंतु यहाँ तो तुम सम्राज्ञी हो, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं तुम्हें प्राप्त है। सुख सुविधाएं ही तो जीवन के लिए सब कुछ नहीं है। ठीक है, कौमुदी महोत्सव जैसे मनोरंजन के अवसर भी तुम्हें यहाँ के वातावरण में पूरी तरह एकरस नहीं कर पाते ना। ऐसा क्यों कहते हैं महामार्ग? मैंने तो पूरा आनंद लिया कौमुदी महोत्सव। तो फिर हिंडोले में झूलते झूलते तुम मन्यमनस्क होकर अकेले इधर उधर घूमने क्यों निकल पड़े? नहीं तो रात महल के बगीचे में चिड़िया परिचित से लगे दो लोगों से तुम क्या बातचीत करेंगे? नहीं तो आपसे किसने कहा महामार्ग? तो वे दोनों तो राज कर्मचारी थे, गवारी महोदय के भेजे हुए। चप्पे से नाक वाला दूर राजा से कपड़े पहने हट्टा कट्टा। चप्पे से नाक वाला हट्टा कट्टा मुझे याद नहीं, क्या सभी राज कर्मचारियों को मुझे याद रखना होगा? नहीं नहीं, यदि राज कर्मचारी हो तो किंतु वे जो भी उन्होंने तुमसे कुछ प्रश्न किए हों और उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कुछ दिनों का समय दिया गया। समय? ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप महामार्ग? बहकना भी तो स्वाभाविक है। आप भी महामार्ग, हमारे यहाँ यज्ञ में आपकी बुद्धिमत्ता का तो लोहा मान है, और कहते थे पाटलिपुत्र में एक ही दुख प्रश्न। अच्छा, ऐसा कहते थे? मैं यवनों की रसिकता को पहचान। नहीं जानती, बड़े पंडित बनते हो, इस प्रकार एकांत कक्ष में सम्राट महिला से सवाल जवाब करते हो, भारतीय मर्यादा है। ठीक है, किंतु मैं किसी भारतीय सम्राट महिला से नहीं अपितु एक उस यवन बाला से बात कर रहा हूँ जो सत्य पर पर्दा डालने का निरर्थक प्रयास कर रही है। उसका अभिनय भी बड़ा सतही। ब्राह्मण, तो केवल दिवा स्वप्न देखने के अभ्यासी हो? इस भूमि को धूलि साफ करने के यवनों के दिवा स्वप्न तो भारत की धरती के धूल में ही समा गए, और उनकी अन्य चालें भी अब उलझू होने जा रही है। चालें? कैसी चालें? तुम्हारा तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ही तो बताने आज आया हूँ। पहेलियां मत बुझाओ कुटिल। पहेली मैं नहीं बुझा रहा, अभी तो तुम स्वयं पहेली बनने का निष्फल प्रयास कर रही हो। दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से यदि किसी एक को चुनना तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक है, क्योंकि सांप तो समय आने पर ही काटता है, किंतु दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता है। मेरे पास समय नहीं कि मैं तुम्हारा अनर्गल प्रलाप सुनूं। सम्राट की सेवा करने का समय, जो कहना है तुरंत कहो। तुम मगध साम्राज्य में महारानी भाग्यलक्ष्मी कहला सकती हो, महाराज की सेवा करने का दम्भ नहीं कर सकती। महाराज की सेविका के मुखौटे के रूप में तुम इस पवित्र आर्यावर्त को यवन राज का सेवक बनाने आई आई नहीं भेजी गई। सत्य तो यह है कि हम स्वयं तुमको सरपड़ी जानते बूझते हुए भी एक रस्सी मांगकर यहाँ लाए हैं, ताकि उस रस्सी से ही बांधकर यवन राज के लिप्सा को बंदी बनाकर रखा जा सके। भाग विलास बंद करो, तुम जैसे कूटनीति विशारद को शोभा देता है, मुझ जैसी सीधी साधी राजकुमारी को नहीं। राजकुमारी? कहाँ की राजकुमारी? नृत्य अभिनय का प्रशिक्षण लेकर कबीले की एक साधारण नर्तकी राजकुमारी नहीं बन सकती। राजघराने के तौर तरीकों का तुम्हें प्रशिक्षण दिया है, लेकिन बस संस्कृत पढ़ाई गई ताकि तुम्हारा यहाँ प्रवेश आसान हो सके। तो राजमहल के सबसे ऊंचे तंबूरे पर बैठने वाला कौवा कभी गर्व नहीं बन सकता। बंद करो ये प्रलाप। यवन देश के प्रधान की जो सेल्यूकस की पुत्री का जन्म असभ्य और जंगली जातियों में हुआ है, ये कहना चाहते हो? तो असभ्य और जंगली जातियों के सिर पर सिंह नहीं हुआ करते? ग्रीक देवताओं की शपथ ले लेकर धोखे से द्वार खुलवा कर शाकर हस्तिनी प्रदेश के रात्रि में सोए हुए बच्चों और स्त्रियों को जला जला कर यवनों ने मारा। उस समय तुम मिलन क्या शिविर में मधुर चित्रकारों को बुलाए करते हुए नृत्य कर रही थी। सभी से पूछ ले तुम। ये शब्दों का सीधा और सरल अर्थ हुआ कि यवन देश के प्रधान निकिटस सेल्यूकस और महान अलग क्षेत्र असभ्य और जंगली है। हम भी लुटेरे महान
महान अलक्षेंद्र सिकंदर की महानता की गाथा द्वारा वर्ग के सीमांत पर आकर समाप्त हो गई। तो फिर पौरव द्वारा उद्धार अमर लौटने पर विवश उसकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए भारतीय परंपरा के अनुसार मैं उसके विषय में कुछ और नहीं बोलूं। और जहां तक तुम्हारे तथा कथित पिता सेल्यूकस का संबंध है, तथा कथित पिता कहना चाहते हो निकेटर सेल्यूकस मेरे वास्तविक पिता ही नहीं है? तो तुम उन्हें वास्तविक पिता मानती हो? तुमको संदेह है? निसंदेह यदि वो तुम्हारा वास्तविक पिता है तो उससे बड़ा पिशाच और गिरा हुआ मनुष्य और कौन होगा? चाणक्य, ये मत भूलो, सम्राट तुम्हारे शिष्य है तो वो इस देश के सम्राट भी हैं और मेरे पति भी। तुम मात्र उनके महामात्र हो। बिना परिणाम की चिंता किए तुम इस साम्राज्य की महारानी और इसके पिता का अपमान कर रहे हो। भले लक्ष्मेंद्र और फिर सेल्यूकस की सेज गर्म करने वाली अंक शाली नर्तकी तुम्हारा अपमान कर तो फिर इस नर्तकी को साम्राज्य की साम्राज्ञी क्यों बनाए बैठे हो? सेल्यूकस से संधि के समय हमें धोखा हुआ और तुम्हें हम उसकी बेटी मान बैठे। उस भूल का प्रायश्चित भी तो करना है, किंतु तुम एक बार साम्राज्ञी बना देने के बाद हम पीछे तो नहीं जा सकते। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। जो भी वो साम्राज्य साम्राज्य है क्या जिसमें नर्तकी न हो और सम्मान से नहीं, तो उसे उसकी सीमा से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस देश के धर्म और संस्कृति को नष्ट करने के तुम्हारे उपक्रम चाणक्य से छुपे नहीं। खुलेपन के नाम पर एक अब संस्कृति का प्रचार प्रसार पाटलिपुत्र की वीथियों में करने के यवनों के कुचक्कर तुम्हारे प्रशय में बढ़ते जा रहे हैं। क्षेत्रीय और कृषक अधिक से अधिक परजीवी होते चले जा रहे हैं, ये षड्यंत्र यवन राज नहीं करते जा रहे हैं, ये क्या हमसे छिपा है? जो अयोध्या उच्छृंखल हो सभी आदर्शों की अवहेलना करें, यही उद्देश्य है ना तुम्हारा? ये पूरी पीढ़ी ही ऐसी तैयार हो जाए जो यवनों की भाषा बोले, उनकी सभी गंदी आदतों का अनुसरण करे। घाटों की सीढ़ियां यदि गंदी हो जाए तो हम उनकी तो सफाई कर सकते, यदि पीढ़ियां ही गंदी हो जाए तो उनकी सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाए। हम सावधान, हर प्रकार से हर स्थान पर हम सावधान हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तब फिर अपने शिष्य अपने सम्राट की पवित्रता की रक्षा इस असभ्य जंगली नर्तकी से कर पाओगे? फाटेले हमारे सम्राट की पवित्रता वो तो गंगा है। तुम्हारे जैसी दूषित नालियां जितने भी आकर गिरे गंगा हमेशा गंगा बनी रहती, उसकी पवित्रता नष्ट नहीं होती। मुझे अपने शिष्य पर भरोसा है, चाणक्य के शिष्य अपने प्रमाणिकता और तेजस्विता में बेजोड़ तो देखती मेरा नहीं करवा देते, ना रहेगा मांस ना मजी की बांसुरी, निकालो कोई मूर्त ब्राह्मण और अपने पति को बुलाकर मेरा शिरोच्छेद करवा डालो। ऐसे कुत्सित कार्य के लिए भारत के ब्राह्मण मुहूर्त नहीं निकाला करते, वो तो वीरों का खड़क प्रथम भेंट में ही कर डालता है। हाँ, भारत के ब्राह्मण आवश्यकता पड़ने पर अपने पोते वो तो एक तरफ रखकर तलवार हाथों में उठा युद्ध भी करते हैं। उनकी वीरता के उदाहरण लक्ष्मेंद्र के विरुद्ध तुमने स्वयं देखे भले ना सुने अवश्य भाई, तुम्हारे वध की बात तो सिर्फ किसी का वध कर देने से ही दृष्टि नहीं होती, उस विचारधारा का वध आवश्यक है जो वातावरण को दूषित कर। सम्राट की सेवा करने इस देश में इसी क्षण जाकर मैं उनसे मेरा वध करने का आग्रह करूंगी। नहीं चाहती कि मैं ऐसे साम्राज्य की साम्राज्ञी बनी रहूं जिसका सम्राट नामधारी जी के धूर्त ब्राह्मण के हाथ में काट का पुतला बनकर रह गया हो। मायावनी, तो सम्राट की सेवा करने इस देश में नहीं आई, रणक्षेत्र में मिली करारी पराजय को कूटनीतिक विजय में बदल देने को तुझे यहाँ भेजा है, तो उसमें सफल नहीं। ब्राह्मण के ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हो ब्राह्मण, अपनी मर्यादा में रहो। चाणक्य बिना प्रमाण एकत्र किए इस भेंट का ये कैसे पत्र है? ये मेरा इसे क्या सरोकार है? ये राजकीय षड्यंत्र है। उल्लू दिन में नहीं देख पाता, इसमें सूरज है क्या दोष? कभी इनके पेड़ का पत्ते और फूल नहीं आते, इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष? मैं इन पत्रों से सर्वथा अपरिचित हूँ। वाकई तुम अच्छे अभिनेत्री हो कौमुदी महोत्सव की नायिका। हिंडोले में झूलते झूलते जिन दो श्रीमंतों से वार्तालाप करने गए और उनकी अपेक्षा अनुसार 3 दिनों के बाद घनी लताओं के झुरूट में से राज महल राज प्रसाद और पाटलिपुत्र के गुप्त द्वारों के मानचित्र उनके लिए चुपचाप रख दिए। वही पत्रक है ना साम्राज्य, इनको लिखने में तुम्हारे कक्ष में रखी उसी विशेष राजकीय स्याही का उपयोग हुआ है ना?
और यावनी भाषा में ये तुम्हारे ही हस्ताक्षर हैं। इन पर आप ही प्रमाण है उस चपटे नाक वाले व्यक्ति के रक्त के छींटे। और प्रमाण चाहिए साम्राज्य। इनको तुम्हें गौर से नहीं देखना होगा। यराज प्रसाद के तलकक्ष में पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे ही आतिथ्य में रहे हैं। राष्ट्रीय लेखाकार से यवनों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संधि पत्रों को चुराने की असफल चेष्टा करने वाले तो ये आवश्यक समझो तो राष्ट्रीय लेखाकार के प्रमुख अधिकारी अमरत्यपाल को भी मंगवाया जा सकता है। उसने स्वीकार किया यवनों से महत्वपूर्ण संधि पत्रों को चुराने की योजना तुम ही ने बनाई और उसके लिए 20,000 पण दिए। अलक्षेंद्र द्वारा घोषित सिंधु का क्षत्र फिलिपोस जिसके बारे में योजना पूर्वक यह भ्रम फैलाया गया था कि वो मार डाला है। वो हट्टा कट्टा यवन विदूषक जैसी वेशभूषा धारण किए एक मौर्य बंधनागार में बंदी वो चपटे नाक वाला दियाकस जिसे तुमंत शालिनी के रूप में उपहार स्वरूप भेंट की जाए। यदि उसका और तुम्हारा सम्राट को मार डालने का कुचक्र सफल हो वही रियाकस जो लक्षेंद्र की मृत्यु के बाद उसकी तलवार लेकर प्रतिशोध लेने के लिए भारत वर्ष में चोरी छिपे घुसपैठिए के रूप में घुसा और तुम्हारे संपर्क में रहा वही तुम्हारा प्यारा रियाकस इस समय कहाँ है ये मैं नहीं जानता। मैं पराविद्या का पंडित नहीं कि तुम्हें बता सकूं कि इस समय वो कौन से नरक में गौरव कुंभिपाक सूचीमुख आंधता मिश्र में है या कहीं और। और मुझे तुरंत मेरे निराकर के पास भेजने की व्यवस्था कीजिए। नहीं और इस साम्राज्य के राज महेश की अपनी मर्यादा है वो अपने प्रेमी के पास नहीं जा सकती। उसे तो अपने उद्घोषित पति की पत्नी ही बनकर रहना। क्या शेष रहेगा जो रहना होगा। यदि तुम्हारा अपराध वध के दंड से कम नहीं अगर यदि तुम्हारा वध कर दिया गया क्या तुमने आत्महत्या की तो इस समाचार को एक अबला नारी की हत्या कहकर देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रसारित किया जाए। राजनीतिक लाभ लेने के लिए यवन शिविर तैयार बैठा उन्हें अपनी नायिका का शव चाहिए ताकि वे प्रचारित कर सके कि चंद्रगुप्त तो सम्राट बने रहने के योग्य है अपनी रानी की भी रक्षा नहीं कर सके। और यह भी कि चाणक्य तो स्त्री हंता राक्षस की इसीलिए तुम्हें जीवित रहना। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते साम्राज्य को उत्तराधिकारी देने के उत्तराधिकारी देने का स्वप्न देख रहे सभी राजकीय समारोहों में सम्राट के वाम पार्श्व में एक विदेशी सुंदरी का होना यवनों के पराजय की कालिमा और मौर्य आधिपत्य की लालिमा को दर्शाने के लिए आवश्यक। सम्राट से तुम्हारी भेंट केवल इन अवसरों पर इतने समय के लिए ही हो इन अवसरों पर कोई भी कुत्सित विचार तुम्हें जन्म निकले कर तुम्हारे चारों ओर तुम्हारी मुद्राएं एवं चेष्टाएं साम्राज्य के अनुकूल ही होनी चाहिए। आज से तुम्हारा राजमहल दूसरा होगा जो सब समय विशेष निगरानी में होगा। सभी खिड़कियों दरवाजे पर लोहे की सुंदर कलम और स्याही का अस्तित्व अब तुम्हारे लिए नहीं होगा। राजवैद्य द्वारा निर्दिष्ट भोज ही तुम्हारा भोजन है। बस इतना पर्याप्त है यह महामात्य का आदेश है। सम्मान पूर्वक स्वीकार करें राजसभा इस अवसर पर उत्सव मनाएगी।